नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एस्के प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में जो वीडियो लाया हूँ वो है ड्रेनेज लाइन और चैम्बर से रिलेटेड है। दोस्तों जो हम आजकल हर जगह पे बहुत जगह पे हम लोग को सुनने को मिलता है कि किचन में या बालकनी में स्मेल्स आते रहते हैं, ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है ऐसा। तो दोस्तों, हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं कि हम पहले क्या चीज करें जिससे ये जो स्मेल वगैरह बालकनी में या किचन में नहीं आए। दोस्तों, जो हम ड्रेनेज लाइन डालते हैं या ऐसे ड्रेनेज लाइन हम लोग, तो दोस्तों जो टॉयलेट का जो लाइन होता है हमको, जो कमोड का, वो हम लोग डायरेक्ट चैम्बर में जोड़ देते हैं। और वही दोस्तों बालकनी का और किचन का जो लाइन होता है वो भी दोस्तों हमको वही चैम्बर में जोड़ना होता है। लेकिन दोस्तों हमको वो जो बालकनी और जो किचन का लाइन है वो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग उसमें नहनी ट्रैप लगा के उसके बाद लाइन ज्वाइन करते हैं। दोस्तों इससे भी स्मेल आता है किचन और बालकनी में, क्योंकि जो नहनी ट्रैप होता है उसमें पानी का जो स्टोरेज होता है वो बहुत कम होता है। तो दोस्तों हमको जो किचन और बाथरूम का जो लाइन होता है बालकनी का, वो हमको ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमको पी ट्रैप लगाना होता है। दोस्तों पहले दोस्तों ये हम पी ट्रैप जब लगा देंगे उसके बाद हम लोग वो मेन चैम्बर में डालना है, जिससे आपको किचन और बालकनी लाइन में बास नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगा। दोस्तों पी ट्रैप में जो आपका स्टोरेज होता है वो ज्यादा होता है, थोड़ा नैनी ट्रैप से आपका स्टोरेज पी ट्रैप में ज्यादा होता है। ये पीवीसी पी ट्रैप है दोस्तों हमने डाला है, आप चीनी मिट्टी का भी पी ट्रैप डाल सकते हैं। दोस्तों हमने इसमें पीवीसी पी ट्रैप इस्तेमाल किया हुआ है। आपको एक बाई एक का इससे नॉर्मल चैम्बर आपको बना लेना है, पी ट्रैप डाल के आपको ये जो बालकनी का लाइन है किचन का लाइन है आपको कनेक्ट करके पी ट्रैप में डाल के उसके बाद आप छोटा चैम्बर बना के वो लाइन सीधे मेन चैम्बर में आपको डाल देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो स्मेल आता है किचन और बालकनी लाइन में आपको नहीं आएगा स्मेल दोस्तों ऐसे लाइन डालने से। तो दोस्तों इस हिसाब से आप लोग भी लाइन लीजिए तो आपके भी बिल्डिंग्स में जो कस्टमर रिक्वायरमेंट करते हैं स्मेल्स के वो नहीं आएंगे। दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान देना। तो यही वीडियो मुझे आपको बताना था दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर आपसे नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।